हेलो एवरीवन। तो आज हम बना रहे हैं आलू गोभी हांडी स्पेशल। तो ये लिए मैंने खड़े मसाले, धनिया, काली मिर्च, जीरा और खड़े मसाले, खड़े गरम मसाले और धनिया। इनको हम अच्छे से भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मसाले भुन गए हमारे, निकाल लेते हैं। ऐड करेंगे ऑयल अब इसमें। मसालों को मिक्सी जार में डाल लेते हैं हम। इसमें यूज़ करेंगे 2 टमाटर। टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे मसाले के साथ ही हम। टमाटर काट लेते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं अदरक। हम ऐड करेंगे पानी अब इसमें और मसालों का पेस्ट बना लेंगे अब हम। चलिए, हमारा ऑयल गरम हो गया है तो हम इसमें ऐड करेंगे बेबी पोटैटो। आप कोई से भी पोटैटो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बेबी पोटैटोस थे, मैंने ये यूज़ कर लिए। बेबी पोटैटो को बिल्कुल डीप ब्राउन करना है। अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए आलू। आलू हमारे फ्राई हो गए, अभी ने हम निकाल लेते हैं। गोभी को भी हम आलू जैसे ही फ्राई करेंगे। देख सकते हैं गोभी ब्राउन होने लग गए हैं, फ्राई हो गए अच्छे से। अभी इन्हें निकाल लेते हैं और बचे हुए गोभी को भी ऐसे ही फ्राई करने हैं। जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया था वो है ये। आधे मसाले हम हांडी में नीचे डालेंगे। आधे मसाले हमने हांडी में डाल दिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे हम। ऐड करेंगे हल्दी, 1 टेबल स्पून। अभी ये ऑयल है और जीरा और तेज पत्ता, इन्हें हम गरम कर लेंगे। जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया, अब हम हांडी में इसे डाल देते हैं। हमने मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे अब इसमें। गोभी डालेंगे पहले, आलू, उसके बाद जो बचे हुए हमारे मसाले थे वो ऐड करेंगे। पहले इन्हें मिक्स कर लेंगे। हम
कस्तूरी मेथी हम यूज़ करेंगे ऊपर से, कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, अब हम हांडी को ढक देंगे अच्छे से। चाहे तो आप इसके ऊपर कुछ भारी भी रख सकते हैं, भारी वजन का कुछ सामान रख सकते हैं, या आप आटे से भी इसको अच्छे से पैक कर सकते हैं साइड से। तो मैंने हांडी को अच्छे से कवर कर दिया है, तो गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम इसको रख देते हैं। 10 से 15 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स अब ये 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इस गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको खोल ओपन करके देखते हैं हम। वाह, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ। सो अभी के लिए बाय बाय, और आप लोग ट्राई ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई किया कि नहीं किया, मुझे ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, और लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और शेयर भी कर देना वीडियो को। आप इसे रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है, एंड जिसको मसालेदार खाना पसंद है उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है रेसिपी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।